गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ घर के बाहर का नज़ारा। और आज हल्की हल्की सी धुंध छाई हुई है, बट गर्मी भी ना बहुत तेज़ है। आज है दोस्तों 9 तारीख यानी 9 सितंबर, और आज मेरे बड़े बेटे का बर्थडे है। और हम लोग बस छोटी सी घर में ही सेलिब्रेशन करेंगे, तो वो शेयर करूँगी। और छोटे बेटे का आज प्रेयर डे था, तो उसने अपनी क्लास में प्रेयर करी, तो वो मैं आपको सुनाती हूँ। The blessing morning light and the strength food and the van care and all that makes the day so fair. Help us to do the things we should to be to others kind and good and all we do and work and play to grow more loving every day. Thank you, God. Very good, very nicely said. Welcome back to Nisha's Rainbow. Hello everyone. Hello Ash. Hello. दोस्तों आज हमारे बड़े नवाब का हैप्पी बर्थडे है, तो आप सबसे मैं चाहूँगी कि आप लोग इनको ढेर सारा आशीर्वाद दें। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू वेरी मच। और ये हमारे छोटे नवाब हैं जेरी के पापा। हाँ, मैं हमेशा से जब मम्मा अपना हमेशा सूट नहीं करती थी, तब से जेरी मेरे पास है, मेरा क्यूट बच्चा। तो दोस्तों आज अब अर्श का बर्थडे है, और आज मैंने टॉम एंड जेरी में अपने बच्चे को ही देखा था। ठीक है, तो मैं अभी जा रही हूँ। अभी शाम के बज रहे हैं 5। अभी मैं, अच्छा 5:30 हो गए। ये पीछे वाली घड़ी मेरी बंद पड़ी हुई है, तो जस्ट इग्नोर इट। और एक्चुअली ये घड़ी ख़राब हो गई है, तो मुझे नई घड़ी लेनी है यहाँ के लिए, तो वो मैं ऑनलाइन मंगा लूँगी, तब चेंज कर दूँगी। दीवार खाली हो जाएगी इसलिए नहीं लगाया, अदरवाइज़ तो हटा दूँ, क्योंकि इससे निगेटिव एनर्जी आती है, तो घर में कोई भी चीज़ बंद नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों आपको आज मैं ले चल रही हूँ अर्श बर्थडे पार्टी में। छोटी सी पार्टी हम लोग घर में जैसी भी कर पा रहे हैं। अभी तो मैं जा रही हूँ अर्श के लिए, केक बनाने, जबकि अर्श नहीं चाहते कि मैं बनाऊँ, लेकिन मुझे लगा कि सबके लिए बनाया है तो अर्श के लिए तो बनता ही है ना। और उसके बाद कुछ स्पेशल सा डिनर। यहाँ पर देखिए मैं अर्श को टीका कर रही हूँ, और ईश्वर से कामना करती हूँ उनको लंबी आयु दे, दीर्घायु करें और उनकी हर मनोकामना पूरी हो। और क्योंकि छोटे नवाब भी बगल में बैठे हैं, तो उनका भी टीका तो बनता ही है, और वो जिद कर रहे हैं जेरी को भी टीका लगाने के लिए। तो मैंने तो नहीं लगाया, लेकिन मिस्टर हस्बैंड ने लगा दिया था जेरी को टीका, जिसकी वजह से जेरी को बेचारे को रात में ही नहाना पड़ गया दोस्तों। तो हम दोनों ने टीका कर दिया है, और उसके बाद आज ये केक बनाया है। तो आज मैंने रबड़ी केक बनाया है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है ये बनाना। और इसका मैं अलग वीडियो दे दूँगी आप लोगों को, आप लोग प्लीज़ चेक कर लेना। बहुत ही अच्छा और पसंद बहुत आया है यार सबको। बहुत ही मॉइस्ट केक था, और इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे, तो टेस्ट बिल्कुल अलग ही था, तो बहुत अच्छा लगा, सबको पसंद आया। तो दोस्तों आप लोग भी ज़रूर बनाइए, घर में बनाना है, बहुत सिंपल है। पहले मुझे लग रहा था बनाने के पहले कि पता नहीं सही बनेगा या नहीं, लेकिन रियली बहुत अच्छा बना था। और इसके बाद
आशियां पे केक कट करेंगे, हम लोग उनको खिलाएंगे। और ये वाला केक ऐसा है कि आप इसको हाथ में उठा के नहीं खिला सकते हैं, इसके लिए आपको प्लेट की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर दोस्तों ये केक काट करके मैं प्लेट में सर्व कर दे रही हूँ सबको, जिससे कि अच्छे से सब लोग इन्जॉय कर सकें इसको, क्योंकि इसमें रबड़ी पड़ी हुई है ना, तो ये आप ऐसे हाथ में लेकर नहीं खा सकते, इसके लिए तो प्लेट कटोरी चम्मच तो बनता ही है। तो हम लोगों ने सबने ले लिया था, बहुत अच्छा लगा, ज़रूर ट्राई करिएगा आप लोग। दोस्तों यहाँ पे हम लोग अपना केक एंजॉय कर रहे हैं आराम से बैठ करके। उसके बाद हम लोगों ने डिनर कर लिया था। डिनर में भी मैंने जो रेसिपीज़ बनाई हैं वो मैंने अलग वीडियो में शेयर किया है, उस पर आपको रेसिपी मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने कोई भी रेसिपी नहीं शेयर की फ्रेंड्स, जिससे कि केवल ये जो है सिंपल सेलिब्रेशन व्लॉग है। और मैंने नान और मिस्सी रोटी भी बनाई थी और सोया चाप और पनीर बनाया था। तो आप लोगों को पसंद आया हो वीडियो तो इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। छोटा सा बेल आइकन आता है वो ज़रूर प्रेस करिएगा नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए।